पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रेल का किराया तो बढ़ा दिया, फिर भी कहते हैं कि रेल घाटे में चल रहा है, अब क्या पटरी बेच देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कुछ इस तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र की बीजेपी सरकार और रेलवे मंत्रालय पर हमला बोला है। दरअसल नीतीश कुमार पर यूं तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव हमलावर होते ही रहते हैं। आए दिन पत्रकारों को बयान देते हुए भी तेजस्वी यादव लगातार हमलावर होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी यादव और लालू यादव एक्टिव हो चुके हैं। आए दिन लालू यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो रहे हैं। बिहार में बढ़ रहे अपराधी घटनाओं पर भी लगातार उनकी बयान निकल कर सामने आती रहती है। और अब देखिए, जहां एक तरफ महंगाई को लेकर के लालू यादव हमलावर होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब रेल में बढ़ रहे किराए को लेकर के भी लालू यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बाज़ाब्ता ट्वीट किया है और सुबह सुबह लालू यादव ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहते हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। देखिए, इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो ट्वीट स्क्रॉल कर रहा है वो लालू प्रसाद यादव का है, जिसमें लिखते हैं, 10 वर्षों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा दिया, स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगिया घटा दी, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं, फिर भी कहते हैं रेलवे घाटे में है, अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से लालू यादव ने ट्वीट करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव जब अस्वस्थ थे, जब सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था, इलाज के बाद लालू यादव बिहार लौटते हैं और फिर से अपने वही पुराने ठेठ अंदाज में नजर आते हैं। जब बिहार में इंडिया ब्लॉक की बैठक भी बुलाई गई, तब भी लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमला बोला था और कहा था कि अब हम स्वस्थ हो चुके हैं, अब उनको बीमार करना है और उनको भी ठीक कर देंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने हमला बोला था। जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से लगातार लालू परिवार पर, लालू यादव पर, लालू परिवार पर परिवारवाद को लेकर के हमलावर होते हैं, जहां एनडीए के तमाम नेता ये कहते हैं कि पूरा लालू परिवार घोटालेबाज है, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ घोटाला ही किया है, नौकरी के बदले जमीन के मामले को लेकर के लगातार लालू परिवार पर एनडीए के तमाम नेता हमलावर होते हैं। जब खुद लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त की बातों को याद दिला करके एनडीए के तमाम नेता उन पर हमलावर होते हैं। तो देखिए, अब मौका मिला है लालू यादव को। लालू यादव ने लगातार बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं पर भी हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि जहाँ दोनों तरफ यानी केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, एनडीए की डबल इंजन की सरकार चल रही है, बावजूद इसके ये लोग लगातार महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, इनके हाथ से लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लालू यादव ने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट तो हमने आपको दिखाया है। आपको बताएं तो तेजस्वी यादव भी कहीं पीछे नहीं हटते हैं। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, वो भी लगातार बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं पर लगातार बुलेटिन जारी करते रहते हैं, क्राइम बुलेटिन जारी करते रहते हैं। और अब इन सब के बीच लालू यादव ने जो ट्वीट किया है, और सुबह सुबह भोरे भोरे देखिए किस तरीके से लालू यादव ने रेलवे में बढ़ रही जो है रेलवे दामों में हो रहे इजाफे को लेकर के, रेलवे के टिकट में हो रहे इजाफे को लेकर के किस तरीके से उन्होंने हमला बोला है, और ये भी कहा है कि अब ये लोग रेलवे की पटरी भी बेच देंगे।